We solve numerical problem 7.1. A circular coil has 100 turns. आपके पास बेटा क्या है, सर्कुलर कोइल है, ये सर्कुलर कोइल और इस पे इस तरीके से टोटल जो टर्न्स इन्होंने बनाए हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं बेटा, 100 आपके पास है। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसमें से हर सर्कुलर कोइल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई माइनस 10 की पावर माइनस 2 मीटर एंड 0.40 एम्पीयर करंट विच फ्लो, इसमें जो करंट आई फ्लो हो रहा है वो कितना है बेटा, 0.40 एम्पीयर करंट आपके पास फ्लो हो रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कोइल, इस कोइल के सेंटर पे कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर बायो सावर्ट का सेकंड एप्लीकेशन आपको लर्न है तो उसका रिजल्ट ये था कि अगर इस सर्कुलर कॉइल में आई करंट फ्लो होगा तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसका फॉर्मूला हमने कितना निकाला था बेटा, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 आर, यहाँ आर स्मॉल है तो मैं भी स्मॉल कंसिडर कर रहा हूँ। आपके पास म्यू नॉट की मैथमेटिकल वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 4π 10 की पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है बेटा, 100। करंट कितना गिवन है, 0.40 अपॉन में 2 और स्मॉल आर दैट इज रेडियस, रेडियस कितना है बेटा, 8 × 10 की पावर -2। क्लियर है बेटा, इसके पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100। अब 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब है 10 की पावर +2, तो ये -2 से +2 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट आपके पास। अब 8 से ये कितने टाइम्स बेटा आपके पास, 8 × 5 = 40 आपके पास, और इसको 2 से कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब ध्यान दीजिए बेटा क्या बचा, 5 × 2 = 10, तो 10 मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है बेटा, पाई मल्टीप्लाई में क्या है, 100 और 10 की पावर कितनी -7। अब ये 1, 2, 3 + 3 बनेगा, प्लस 3 में से -7 सेपरेट करोगे तो -4, पाई की वैल्यू कितनी बेटा, 6. पाई कितना होता है, 3.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना, -4। इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, फैसला, दैट इज योर आंसर। थैंक यू बेटा।